हेलो दोस्तों, आखिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम एप्लीकेशन क्यों नहीं रिलीज कर पा रहा है? और यूपी बोर्ड रिजल्ट के आने के बाद काफ़ी संख्या में छात्र एंट्रेंस एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रूफ के साथ बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके कि उनका फॉर्म कब तक आने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अभी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए परीक्षा नियंत्रक नहीं चुने गए हैं, इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म आने में लेट हो रहा है। इलाहाबाद एंट्रेंस एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म ना आने का कारण यही है कि परीक्षा नियंत्रक का अभी तक चुनाव नहीं किया गया है। 12 अगस्त को परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो जाएगी। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक के द्वारा जल्द ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा और डेट भी घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने के बाद जल्द ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी और जल्द ही आपका नया पाठ्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।